अगर आप अपने लिए 125 सीसी का एक बेस्ट स्कूटर सर्च कर रहे हैं जो माइलेज भी अच्छा दे और जिसका आपको मेंटेनेंस भी बहुत कम पड़े और डिस्क पर बैठने के बाद में काफ़ी अच्छी सीट मिले, लंबी सीट मिले और फ्रंट में पैर रखने का जो लेग रूम एरिया है वो भी आपको अच्छा खासा मिले, तो आपके लिए सुजुकी एसएस 125 एक बेस्ट स्कूटर रहने वाला है। 2024 के एंड में यामा की ओर से एक अपडेट किया गया है अपनी फैशनों में। अपडेट्स क्या है वो आपको बताऊंगा। इसका स्पेशल एडिशन अभी अपने साथ में अवेलेबल हो चुका है। इसमें क्या कुछ अपडेट हुए हैं आज उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये आपको रेंज प्रोवाइड कराती है, कितना माइलेज देती है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के कलर ऑप्शंस और इसके डायमेंशंस के बारे में। कलर की बात की जाए तो भाई ये स्कूटर जो कलर है अल्टीमेट्स कलर्स आते हैं इसमें, लगभग 6 से 7 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जो अपने साथ खड़ा है मैट ब्लैक कलर खड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक स्कूटर के कलर ऑप्शंस और इसकी डायमेंशंस की। भाई इसमें आपको मल्टीपल कलर्स ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अभी जो अपने साथ में खड़ा है मैट ब्लू कलर के साथ में और काफ़ी ज़बरदस्त कलर के साथ में स्कूटर खड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं इस स्कूटर की डायमेंशंस के बारे में, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। भाई वजन की बात करूं तो 103 kg यानी कि 103 kg वेट के साथ में हमें ये स्कूटर देखने को मिलता है। और भाई इसकी सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो 773 mm यानी कि 773 mm की हमें इसकी सीट हाइट देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो 160 mm का इस स्कूटर में हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस बाइक स्कूटर की डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन के बारे में। वजन की बात करें तो भाई ये मात्र 99 kg के साथ में आता है। 125 सीसी का स्कूटर है और 99 kg के साथ में आता है। 99 kg होने की वजह से भाई साहब ये माइलेज भी काफ़ी अच्छा देने वाला है, माइलेज अच्छा दे देता है। सीट हाइट की बात करूँ तो 780 mm की सीट हाइट देखने को मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम मिलता है। 145 mm का इस स्कूटर में हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। भाई अब इस स्कूटर को फ्रंट से देख लेते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ये कलर इसमें देखने को लग रहा है, मैट फिनिश में कलर है और काफ़ी ज़बरदस्त लुक इस स्कूटर को प्रोवाइड करा रहा है। फ्रंट में आपको दिखाते हैं, फ्रंट में देखिएगा फुली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। ऊपर क्रोम फिनिश देखने को मिलती है, ये देखिए क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलती है और मैट फिनिश में जो ब्लू कलर है ना भाई काफ़ी ज़बरदस्त देखने को लग रहा है, काफ़ी अल्टीमेट लुक इस स्कूटर को प्रोवाइड करा रहा है। फ्रंट में देखना यहाँ आपको सेंटर पैनल पर ये देखिएगा इसमें सुजुकी की बेजिंग 3D में लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे नंबर प्लेट का सेक्शन यहाँ देखने को मिलता है और इसके जो साइड टर्न इंडिकेटर है यहाँ पर प्लेस किए गए हैं और DRL यहाँ देखने को मिलते हैं। देखिएगा जैसे मैं इसकी की ऑन करता हूँ इसके DRL ऑन हो जाते हैं और हेडलैम्प सेटअप भी चेकआउट कराता हूँ। भाई ये देखिएगा ये इसका लो बीम है, हाई बीम चेक कराऊँ तो भाई ये देखिएगा ये इसका हाई बीम, ये देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त इसकी नाइट में थ्रो रहने वाला है। आना भाई इधर फ्रंट में आओ, फ्रंट की बात करो तो ये देखना फुली LED हेडलैम्प सेटअप इसमें देखने को मिलता है। DRL के साथ में देखना यहाँ इसके DRL है और DRL काफ़ी ब्राइट देखने को मिलता है, काफ़ी अल्टीमेट इसके ब्राइट DRL हमें देखने को मिलता है। राउंड शेप में हमें इसकी LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है और ऊपर वाइजर देखने को मिलता है मैट फिनिश में और यहाँ पर जो इसकी लाइट के साथ में ये जो फिनिशिंग दी गई है या तो कंपनी इसको क्रोम के साथ में देती है या यहाँ पर ये जो है ब्लैक कलर के साथ में दी गई है। सेंटर पैनल की अगर मैं बात करूँ तो इसका सेंटर पैनल यहाँ देखने को मिलता है मैट फिनिश में और यहाँ पर यामा का लोगो इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ नंबर प्लेट का सेक्शन और यहाँ पर इसके साइड टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। DRL ऊपर ही मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ मिलते हैं, हैलोजन बल्ब के साथ में साइड टर्न इंडिकेटर मिलता है और ये ब्लैक क्रोम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फेंडर की बात करूँ तो भाई फेंडर आपको इसका सॉलिड मेटल में देखने को मिलता है। मैं आपको ये देखिएगा नीचे चेकआउट कराता हूँ इसका फेंडर। फेंडर भाई ये देखना ये सॉलिड मेटल में है, भाई फाइबर में इसका मेटल देखने को नहीं मिलता है, सॉलिड मेटल में है और यहाँ फाइबर ये पीछे फाइबर देखने को मिलता है। अगर बात करूँ तो फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, 190 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम इस स्कूटर में आपको देखने को मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक हमें फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और भाई टायर की बात करें तो मैक्सिस कंपनी का फ्रंट टायर देखने को मिलता है, ये देखिएगा। और फ्रंट में हमें 90-90-12 का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। अलॉय व्हील 12 इंच का देखने को मिलता है और काफ़ी ज़बरदस्त इसका अलॉय व्हील का लुक देखने को मिलता है। बात करें इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की तो फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में ये स्कूटर देखने को मिलता है और इसमें हमें फ्रंट में 190 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसमें आपको निशन के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। ये सीट की बात कर लें तो भाई सीट काफ़ी अल्टीमेट है और कुशनिंग काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है भाई, मतलब राइडर और प्लेन के लिए काफ़ी अल्टीमेट कुशनिंग इसकी सीट की दी है। ग्रैबिल काफ़ी हैवी दिया गया है और सॉलिड मेटल में इसका ग्रैबिल हमें देखने को मिलता है। और सीट की बात कर लो भाई देखना काफ़ी लंबी सीट, काफ़ी लंबी और चौड़ी भी, ये देखिएगा भाई
काफ़ी अच्छी सीट इसमें आपको देखने को मिलती है, मतलब जुपिटर से भी लंबी सीट लगती है भाई मुझे इसकी। और कुशनिंग देखना भाई, ये देखना सॉफ्ट टच, ये देखो भाई मतलब कितनी सॉफ्ट है, ये देखना मतलब ये देखो भाई, यहाँ तो थोड़ी सी हार्ड लग भी रही है लेकिन यहाँ देखना भाई बिल्कुल सॉफ्ट टच, काफ़ी ज़बरदस्त सीट, लंबी चौड़ी सीट आपको इस बाइक में स्कूटर में देखने को मिलती है। ग्रैपल आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है और अच्छा लुक इस स्कूटर के को प्रोवाइड कराता है। पैर रखने के लिए कुछ इतना सा स्पेस मिलता है और ये स्पेस आपका होंडा एक्टिवा जितना ही मिलता है भाई, कुछ इतना ही स्पेस आपको होंडा एक्टिवा मिलता है। लेकिन ये जो पैर रखने का लेगरूम एरिया है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्टिवा से ज़्यादा मिलता है। आइए सब, पैर रखने के लिए आपको कुछ इतना सा स्पेस देखने को मिलता है, एक सिलेंडर आप आराम से इसमें रख सकते हैं भाई, बहुत अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें पैर रखने के लिए मिलता है। डैशबोर्ड का एरिया कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, यहाँ पर इसका चार्जिंग सॉकेट ये देखना, और चार्जिंग सॉकेट में ये देखना लाइट भी ऑन हो जाती है भाई, जब इसको हम की ऑन करते हैं तो इसमें एक लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। ये मीटर की ओपनिंग कुछ इस प्रकार की होती है, फुली डिजिटल मीटर हमें इसमें देखने को मिलता है, यामा का लोगो यहाँ पर देखने को मिलता है। साइड में सभी नेविगेशन लाइट, हाई बीम लो बीम और ऑटोकट की लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर की लाइट, फैशनों की बेजिंग और ऊपर यहाँ पर फ्यूल गेज, ऑडियो मीटर, स्पीडोमीटर और भाई यहाँ पर इस साइड में आपको इसमें देखने को सारे सभी नेविगेशन लाइट मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया गया जिससे हम इसके मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखना यहाँ ट्रिप आ गया, यहाँ एफ इको आ गया और एफ इको एवरेज आ गया, और भाई डिजिटल क्लॉक भी मिलती है भाई इसमें, ये देखना ये डिजिटल क्लॉक देखने को मिलती है, ऑयल ट्रिप, कुछ इतने सारे नेविगेशन हमें इसके फुली डिजिटल मीटर में देखने को मिल जाते हैं। मीटर की बात करें तो भाई जैसे ही हम इसकी की को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का मीटर हमें इसमें देखने को मिलता है, फुली डिजिटल मीटर हमें इस स्कूटर में देखने को मिलता है। और भाई ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में ये स्कूटर, यानी कि यामा कनेक्ट बोल रहा हूँ, सुजुकी कनेक्टिविटी के साथ में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर डिजिटल क्लॉक मिलती है, यहाँ पर किलोमीटर रीडिंग देखने को मिलती है, बैटरी वॉल्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर फ्यूल गेज देखने को मिलता है। साइड में आपको साइड टर्न इंडिकेटर की लाइट, हाई बीम लो बीम की लाइट, इंजन चेक लाइट, आई लाइट और यहाँ पर आपको वार्निंग लाइट और इको की लाइट देखने को मिल जाती है। सुजुकी की बैजिंग आपको 3D यहाँ सेंटर में देखने को मिलती है, डिजिटल क्लॉक यहाँ मिलती है, दो स्विच दिए गए हैं जिसके हेल्प से हम इसके मीटर को ऑपरेट कर सकते हैं। देखिएगा टोटल किलोमीटर रीडिंग दिखाएगा, ट्रिप ए दिखाएगा, ट्रिप बी दिखाएगा और बैटरी वॉल्ट दिखाएगा। और यहाँ से इसके देखना, इसमें इस दूसरे वाले स्विच को जैसे प्रेस करेंगे तो इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी का चयन आ जाता है, जैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इतने सारे नेविगेशन हमें इसके फुली डिजिटल मीटर में देखने को मिलते हैं। आइए अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस स्कूटर का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की, भाई इसमें यामा की ओर से 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 4 स्ट्रोक एंड 2 वॉल्व के साथ में बेस्ट क्वालिटी का इंजन यामा की ओर से लगा कर दिया गया और इसके इंजन से आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने वाला है। माइलेज की बात प्रॉपर वीडियो में आगे करें। इंजन की मैक्सिमम पावर की अगर बात की जाए तो इसके जो इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.2 PS की पावर देखने को मिलती है 6500 RPM पर। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो इससे हमें 10.3 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 5000 RPM पर। पावर और टॉर्क का कॉम्बिनेशन कंपनी ने काफ़ी अच्छा रखा है जिसकी वजह से हमें इसमें काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस स्कूटर का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की, भाई सुजुकी ने अपने इस स्कूटर पर 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल एंड एयर एंड फैन कूल BS6 फोर स्ट्रोक एंड 2 वॉल्व के साथ में बेस्ट क्वालिटी का माइलेज हंटिंग इंजन लगाकर दिया है, जिससे आपको इस स्कूटर से काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी राइडिंग आपको चलाने में भी इसको मज़ा आने वाला है और ठीक ठाक आपको टॉप स्पीड इस स्कूटर से मिलने वाली। बात करूँ इसके इंजन की मैक्सिमम पावर की तो भाई इसके इंजन की जो मैक्सिमम पावर है 8.6 BHP की पावर देखने को मिलती है 6750 RPM पर। और मैं टॉर्क की अगर बात करूँ तो 5500 RPM पर इसका जो टॉर्क है हमें 10 Nm का हमें टॉर्क निकाल कर देने वाला है और माइलेज भी ये स्कूटर आपको ठीक ठाक निकाल कर दे देता है। ये भाई अब बताता हूँ आपको इसमें क्या कुछ मिलता है जो आपको और 125 cc सेगमेंट के स्कूटर में नहीं मिलता है। भाई सबसे पहली बात, इस स्कूटर में आपको रियर में 110 सेक्शन का टायर मिलता है भाई 125 cc के, ना तो एक्टिवा, ना तो TVS जुपिटर और ना ही आपको रेजर डार जैसे स्कूटर में भी ये फीचर्स देखने को नहीं मिलता भाई। 110 सेक्शन का टायर आपको फैशिनो एस में मिलता है। ऑटो कट का फीचर जैसे मिलता है ना तो उसी के साथ में इसमें आपको 21 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है भाई, काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो है आपको ऑटो कट का स्विच मिलता है, लीन एंगल सेंसर मिलता है। अब इस स्कूटर को स्टार्ट करते हैं, आपको इसका इंजन साउंड एग्जॉस्ट नोट भी सुनवाते हैं। की ऑन करते हैं और यहाँ से इस स्कूटर को फर्स्ट टाइम में ये स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और आपको इसका आइडियल कंडीशन पर इंजन का एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा।
फैन का नॉइस, थ्रोटल देता हूँ भाई, और इसकी जो मीटर की कनेक्टिविटी है वो रियर टायर से देखने को मिलती है। देखेगा इसके इंजन को हम यहीं से ऑफ कर सकते हैं। आपको इसका इंजन साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इस स्कूटर के प्राइस, माइलेज और वारंटी की। प्राइस की बात करूँ तो ये स्कूटर जो है आपको 92,000 रुपये का कंप्लीट सॉरी एक्स शोरूम मिलने वाला है, और कंप्लीट ऑन रोड की अगर मैं बात करूँ तो ये स्कूटर आपको 1,02,000 रुपये का देखने को मिलने वाला है। रेट का आप एक रफली आइडिया लेकर चले, क्योंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग शोरूम में आपको अलग अलग रेट इन स्कूटर्स के देखने को मिल जाएंगे। माइलेज की बात करूँ तो भाई ये स्कूटर 125 सीसी सेगमेंट में आता है और माइलेज आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराने वाला है। लगभग इस स्कूटर से आप आराम से 55 से 60 का एवरेज निकाल सकते हैं। बाकी आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप अपने व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की रोड कंडीशन है और किस प्रकार की आपकी राइडिंग कंडीशन रहने वाली है। बात करूं भाई इस स्कूटर की वारंटी की, तो सुजुकी अपने इस स्कूटर पर 2 साल की इंजन वारंटी प्रोवाइड कराता है 24,000 किलोमीटर तक। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वारंटी एक्सटेंड भी करा सकते हैं, उसका आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ता है। ये जैसे 30 डिग्री के एंगल पर नीचे जाएगी ना गाड़ी, नीचे जाते ही क्या होगा, इसमें नीचे गई तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, बंद पड़ जाती है, मतलब ऑफ, ये ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये लीन एंगल सेंसर इसमें काम करता, और ये फीचर्स आपको सिर्फ यामा के इसी स्कूटर में मिलता है। दूसरा इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ में जी रहे हैं कि भाई ये स्कूटर हाइब्रिड है। नहीं भाई, हाइब्रिड नहीं है। इसमें क्या आता है, जब इसको स्टार्ट करते हैं इसके अंदर एक छोटी सी मोटर ऐसी फिक्स की गई है कंपनी ने, जो इसके इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में आती है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट का फीचर है वो, मतलब बैटरी से स्टार्ट होती है, फ्यूल से नहीं होती आपकी। ये फीचर्स हैं, लोग इसमें कंफ्यूज है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। नहीं भाई, हाइब्रिड नहीं है। अभी हाइब्रिड फ्यूचर में आने वाले हैं बहुत सारे स्कूटर इंडियन मार्केट में। तो ये भाई बात करें इसके रेट की, तो भाई ये कंप्लीट ऑन रोड ये स्कूटर आपको 1,18,000 रुपये कंप्लीट ऑन रोड मिलने वाला है। रेट का आप एक रफली आइडिया लेकर चले, क्योंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग शोरूम में आपको इन स्कूटर्स के अलग अलग रेट देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके माइलेज की, माइलेज ये स्कूटर बहुत अच्छा प्रोवाइड कराता है। लगभग ये स्कूटर आपको आराम से भाई, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि लोगों ने बहुत सारा इसका माइलेज बताया हुआ है, ये स्कूटर आपसे आपको 60 से 62 तक का एवरेज दे सकता है, क्योंकि ये 125 सीसी का स्कूटर है। वेट कम होने की वजह से ये स्कूटर आपको अच्छा खासा माइलेज दे देता है, क्योंकि इसका वेट मात्र 99 kg है, इसीलिए आपको माइलेज भी अच्छा प्रोवाइड कराता है। तो भाई आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।